धरती के गीत। ये गीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के परंपरा की झलक संजोए लोक गीत हमारी माटी के। कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियां हैं, कुछ मौसम हैं, मन बतियां हैं, मेले भी हैं और नदियां हैं, कुछ झूले हैं, अंगनैया हैं, पूजा भी है, त्योहार भी है, ये माटी का आधार भी है, ये अपनी धरोहर गाती है, लोक रंग से धरा सजाती है, ये अपनी विरासत अनुपम है, स्वर संपदा ये सर्वोत्तम है। आओ इस पर अभिमान करें, इन गीतों का रसपान करें, लोकगीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के धरती के गीत। श्रोताओं को उनके सहयात्री असीम का नमस्कार। ये यात्रा है भारतीय लोक संस्कृति की, उसको सहेजने की, उसको संवर्धित करने की, उसके बारे में और गहराई से जानने की। भारतीय लोक कला, भारतीय लोक संगीत मूलतः ग्राम्य अंचलों में जनसामान्य और आदिवासी विशिष्ट समूहों द्वारा आधारित और संरक्षित कला है। ग्रामीण परिवेश और लोक संस्कृति में व्याप्त रचनात्मक आचार व्यवहार जब कला तत्व के रूप में बदल जाता है तो लोक कलाओं को समृद्धि प्रदान करता है। परंपरागत तौर पर लोक कला, लोक संगीत क्षेत्र अथवा समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किया गया वो कला कर्म है जिसके मूल में शुभ का विचार होता है, और शुभ का ये विचार अवसर विशेष से जुड़े अनुष्ठानों और आवश्यकताओं को संपन्न करने हेतु किया जाता है। थारू जनजाति ने भी अपनी लोक कला को पूरे मन से सहेजा है, संवारा है। आज की यात्रा तहसील खटीमा के ग्राम कुआखेड़ा से। थारू जनजाति बहुल इस ग्राम में कृष्णा देवी, बंधु देवी और इंद्रवती जी के साथ इन्होंने थारू जनजाति के संस्कार गीतों को, पर्व गीतों को, पूजा विशेष के गीतों को संजोया है, संवारा है। जन्म संस्कारों में मुख्य स्थान रखता है। जन्म के समय जच्चा गीत गाए जाते हैं और ये रिवाज लगभग लगभग सभी जातियों, सभी समुदायों में है। थारू जनजाति में गाया जाने वाला ये जच्चा गीत, जिसमें माँ इन पंक्तियों में ईश्वर रूपी धरती से अपने बच्चे के शरीर रूपी जो चूल्हा बना है उसको बनाए रखने का आग्रह करती है। ईश्वर एवं जन्म के सवाल जवाब का बखान हुआ है इस जन्म या नामकरण संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाले थारू जनजाति के लोकगीत में। Oh, yeah.
थारू परिवार में बच्चे के जन्म के समय विभिन्न अन्य संस्कार भी आयोजित होते हैं। छठी एक प्रमुख आयोजन होता है, इसे समारोह पूर्वक मनाया जाता है। ये लोकगीत थारू जनजाति में छठी या फिर नामकरण के समय गाया जाता है। इस गीत में उल्लेख है कि बच्चे की बुआ बधाई देने के लिए आई है और नंदी को बालक होने की खुशी में कुछ बदले में उपहार भी देना है। वाला एक बाधा
थारू जनजाति में होली के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोकगीत हमने संकलित किया, जिसमें शिवजी की बारात का वर्णन है। जब शिवजी अपनी बारात को लेकर पार्वती के द्वार पर जाते हैं तो सब इस बारात को देखकर डर जाते हैं। किस तरह से भूत पिशाच वेश बनाए हुए, नाग अपनी देह पर लिपटाए हुए शिवजी की बारात में शामिल हुए हैं और सभी इस बारात को देखकर डर रहे हैं। आर्य हाँ
तारू जनजाति के लोग जब किसी मेले में भाग लेने के लिए जाते हैं तो गीत गाते हुए जाते हैं। इन गीतों में उनकी आस्था से जुड़े हुए प्रसंग भी होते हैं। इस गीत में श्री कृष्ण और गोपियों की छेड़छाड़ का वर्णन किया गया है। ये भी कह सकते हैं श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन इस लोकगीत में है। होली के अवसर पर भी ये गीत गाया जाता है। अरे मेरो या चला जी न छुइयो लला जे जो बन कोई चर चैगो कोई चर चैगो लला रे मेरो या चला जी न छुइयो लला जे जो बन कोई चर चैगो कोई चर चैगो लाला रे दिल्ली शहर गढ़ आगारा बाम लगी रे बजार गज मोती ने को चौतरा बहु चौतरा बाम बैठो रे सुना रे जन कसी बिछिया कोई गड़ नए है अचला मेरो अचला जी न छुइयो लला जी जो बन कोई चर चैगो कोई चर चैगो लाला रे जूता बनाए दई मलखाने कोई मलखाने कोई बाके कंदन पार चली तलवार श्याम गुदरिया कंधे पर कोई कंधे पर। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। इस अवसर पर शोक के गीत गाए जाते हैं जिसमें मन की व्यथा को वर्णित किया जाता है। ये गीत स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख करता है। कुछ निर्गुण भाव लिए हुए है थारू जनजाति का ये लोकगीत। पारे से कारा दबी
तनो पाए धाम तो किस करी जा मारे ये तनो पाए दरी ओ किस कर दी खा मारे पिया बिना पाए दो ना जावे श्रोताओं, ये थी एक यात्रा ग्राम कुआखेड़ा तहसील खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर में निवास करने वाले थारू जनजाति के श्रीमती कृष्णा देवी, बंधु देवी और इंद्रवती के लोकगीतों के साथ हमारी इस लोक यात्रा का पड़ाव आज इसी स्थान पर। इन्हीं लोक कलाकारों के बीच कल यहीं से पुनः आरंभ करेंगे यात्रा का अगला चरण। असीम आपके साथ रहेगा, आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धरती के गीत।